बागेश्वर सरकार बनाएंगे कमलनाथ सरकार। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजाएंगे। चुनावी साल के हनुमान भक्त कमलनाथ के इस आयोजन की सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर सरकार बनाएंगे कमलनाथ सरकार। कमलनाथ की हनुमान भक्ति से कांग्रेस को मिलेगी सियासी शक्ति। छिंदवाड़ा के सिमरिया में सजेगा बागेश्वर सरकार का दरबार। लाखों भक्त और कई बड़े नेता लगाएंगे हाजिरी। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी भाजपा की तर्ज पर हिंदुत्व कार्ड के सहारे चुनावी मैदान में उतर चुकी है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और इस चुनावी समर में नेता लगातार कथावाचकों का सहारा ले रहे हैं और अब इस लिस्ट में पीसीसी चीफ पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी जुड़ चुका है। जी हाँ, कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। इस आयोजन की पूरी कमान कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ ने संभाल रखी है। नकुलनाथ के नेतृत्व में करीब 30 टीमें जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। कमलनाथ ने इस आयोजन के लिए सिमरिया हनुमान मंदिर के पास करीब 25 एकड़ जमीन को किराए पर लिया है, जिसमें रोजाना करीब 1,00,000 से अधिक भक्तों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कथा के दौरान कमलनाथ का पूरा परिवार हर दिन मौजूद रहेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए कमलनाथ ने हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर सियासी जमावट करने का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए बाकायदा पीले चावल भी दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बागेश्वर सरकार के सहारे कमलनाथ की हनुमान भक्ति भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को किस हद तक पीछे छोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।